पुलिस लाइन में अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिस कर्मियों की आवास को खाली कराया गया, जिसके संबंध में एसपी लाइन राहुल भाटी ने बताया कि लाइन में कुल 160 आवास हैं जिनका अवधि पूरी हो गया है, जो रिटायर हो गए हैं या जो मृत्यु आश्रित हैं, जो यहां पोस्टेड नहीं है या काफी वर्षों से बिना परमिशन के अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें 160 मकान को चिन्हित करके उनको खाली कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 24 मकान खाली कराए जा चुके हैं तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लोग अपनी स्वेच्छा से मकान को खाली कर रहे हैं। इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा, मन मना लिया था। हो जाएंगे कुछ ऐसे रहेंगे जिनको ताला लगा है, वो भी प्रक्रिया जो एक रूम में होता है और जो भी यहाँ पर बड़ा जो आवास दिक्कत हुआ एक पुलिस अधीक्षक साहब के आदेश के क्रम में कुल 160 ऐसे आवास हैं जो जिनका समयावधि यहाँ पे पूरी हो गई है, जो या तो स्थानांतरित हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं या जो मृतक आश्रित थे जो यहाँ पोस्टेड नहीं है। ऐसे लोग जो काफ़ी वर्षों से बिना किसी परमिशन के ओवरस्टे कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, ऐसे कुल 160 मकान चिन्हित करके उनको खाली करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें आदरणीय ACM फर्स्ट साहब श्री विनय पांडे जी हमारे साथ में हैं और पिछले दो दिन से ये प्रक्रिया चल रही है और विद इन वीक हमें उम्मीद है कि ये लोग अपना जो घर है जो अवैध रूप से काबिज़ हैं जिस पे ये खाली कर दें। अभी तक तकरीबन 2 दर्जन के करीब मकान खाली हुए हैं, दूसरा ये दिन है, हमें उम्मीद है कि एक सप्ताह में ये खाली हो जाएंगे। बाकी सर, कोई दबाव या कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति नहीं है, लोग अपनी स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उनको नोटिस दिया जाता है, पिछले 1-2 साल से उनको नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं, पिछले 6 महीने में मेरे स्वयं के हस्ताक्षर से 4 बार उनको नोटिस दिया गया है, तो ये जान रहे हैं कि ये कभी भी खाली हमें करने के लिए कहा जा सकता है। तो लोगों को जब ये मालूम हुआ कि इस दिन ACM साहब और मैं आके मकान खाली करने के लिए उनको कहेंगे तो लोग अपने आप से खाली कर रहे हैं।